हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल आज आपके लिए एक शॉल लेकर आई हूँ कि शॉल किस तरीके से बनाई जाती है। बहुत आसान और इजी तरीके से बनती है और जो सितंबर अक्टूबर की ठंड होती है हल्की फुल्की, उसके लिए मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि ये जो है आप किस तरीके से इसे बना सकते हैं। तो इसमें दो तीन चीज़ें मैं आपको बोलूँगी कि एक तो वूल जो है, ऊन जो है बहुत पतली लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो ये बहुत भारी बन जाएगी। बहुत पतली वूल लीजिएगा और साथ में उसे मोटी सिलाई से बनाइएगा, और ज़्यादा पतली वूल होगी तो 10 नंबर से बनाइएगा। नॉर्मल वूल ले रहे हैं तो 9 नंबर की सिलाई से आप उसे बनाइएगा। और ये देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें और बता दूं आपको कि ये आप अपनी मर्ज़ी से इसमें जो मैं फंदे आपको बताऊंगी, मैं तो सैम्पल पीस बता रही हूँ आपको, बट बड़ों के लिए आपने मेजर कैसे करना है कि आप कितने फंदे डालेंगे। जो बैक में बेसिकली हम जब अपने लिए कार्डिगन्स या कुछ बनाते हैं, जो बैक में फंदे होते हैं जो हम बंद करते हैं शोल्डर्स के छोड़ के, उतने फंदे आपने डालने हैं। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, बड़ों के लिए नॉर्मल साइज़ के लिए आप 32 फंदे डालेंगे, और उसके बाद जो प्रोसीजर मैं बता रही हूँ उस हिसाब से आप इसे करते जाएंगे। मैं तो छोटा सा सैम्पल पीस आपको बता रही हूँ जस्ट पैटर्न के लिए, वो आप उस हिसाब से अपने 32 फंदे डालेंगे और उसे जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ वैसे ही आप उसे करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये शॉल जो है किस तरीके से बनाई जाती है। अब देखिए, मैंने ये नॉर्मल वूल ली है, ये नॉर्मल वूल है, और मैं इसे 9 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी। अब अगर ये स्वेटर बनाना होता तो मैं इसे 10 नंबर की सिलाई से बनाती, बट ये मुझे शॉल बनानी है तो थोड़ी ढीली खुली चाहिए, बेसिकली हल्की चाहिए। तो आप जब भी नॉर्मल वूल लेते हैं 9 नंबर से बनाएंगे तो वो खुली खुली हल्की बनेगी। तो चलिए मैं सैम्पल पीस के लिए आपको बता देती हूँ कि इसे किस तरीके से हम बनाएंगे। अब मैं जो है इसमें 8 फंदे डालूँगी। फंदे तो नॉर्मली आप जैसे भी डालना चाहे डाल सकते हैं, दो तीन तरीके, बहुत सारे तरीके मैंने अपने चैनल पर बताया हुआ है। तो देखिए, 8 फंदे डाल लिए। अब पहली सिलाई तो मैं इसकी उल्टी करूंगी, इस तरीके से। आगे हम नेक्स्ट लाइन पे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे मैं हर फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाऊँगी, लेकिन बिना जाली के, जाली नहीं डालूँगी। कैसे बढ़ाऊँगी वो आप देख लीजिए। पहला फंदा उतारा, ऐसे आपने धागा लपेटा सिलाई पे, अगेन इस फंदे को बनाया, फिर धागा लपेटा आपने, फिर इस फंदे को बनाया, फिर धागा लपेटा, फिर इस फंदे को बनाया, फिर धागा लपेटा, फिर इसे बनाया, फिर धागा लपेटा। इस तरीके से सारे फंदे आपने ऐसे ही करने हैं। इसमें एक चीज़ ये बता दूं, उल्टी लाइन हमेशा आपने उल्टी करनी है, उल्टी लाइन में कुछ नहीं करना है, तो उल्टी लाइंस मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगी। ये देखिए उल्टी लाइन, इसमें मैं बता देती हूँ यहाँ पे उल्टी लाइन किस तरीके से करनी है, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो ये धागा लपेटा है इसे कैसे बनाया जाए, क्योंकि अगर इसे आपने गलत बनाया तो यहाँ पे जाली आ जाएगी। तो देखिए, नॉर्मली ऐसे बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाना है हमने इसे, इस तरफ से ये देखिएगा ऐसे लेना है और ऐसे बनाना है। तो इससे क्या होगा, आपकी यहाँ पर जाली नहीं आएगी। ये फंदा आपने फिर बनाया, अगेन ये देखिए लपेटा था धागा, इसे इस तरीके से आप लेंगे, फिर ये बनाया आपने, फिर ये धागा लपेटा हुआ है ऐसे, इस तरीके से आप पूरी लाइन जो है उल्टी करेंगे।
आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे। अब दो लाइंस मैं एक सीधे एक उल्टे की बनाऊंगी, एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी। पहला फंदा उतारा, एक लाइन सीधी, आप ये देखिएगा जो हमने फंदे बनाए हैं, ये देखिए पता भी नहीं चल रहा है कि आपने फंदे जो है बढ़ाए हैं जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया। अब एक लाइन उल्टी जाएगी, देखिए आगे नेक्स्ट लाइन पे। अब अगेन यहाँ पे हम वैसे ही बढ़ाएंगे जैसे हमने यहाँ बढ़ाया था, हर एक फंदे के बाद ये किया आपने, धागा लपेटा, अगेन इसे बनाया, धागा लपेटा, इसे बनाया, धागा लपेटा, इसे बनाया, धागा लपेटा, इसे बनाया। इसी तरीके से पूरी सिलाई आपने ऐसे ही करनी है, एक एक फंदा हमारा जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। अगेन उल्टी लाइन वैसे ही करूँगी जैसे अभी मैंने बताई थी आपको कि किस तरीके से हम इसमें जब हम धागा लपेटते हैं तो अगर जाली नहीं चाहिए तो कैसे करते हैं, तो यहाँ इस तरीके से पकड़ेंगे और इसे उल्टा, अगेन ऐसे, ये वाला तो सीधा बुनेंगे, ये देखिए अगेन ऐसे, आप देखिए ये इस तरीके से बढ़ गए हैं। अब अगेन जो है मैं, आप जब बड़ों के लिए बना रहे होंगे, अपने लिए बना रहे होंगे, इसमें आप छह लाइंस एक सीधी एक उल्टी कर करेंगे, लेकिन ये मैं सैंपल बना रही हूँ तो मैं इसमें कम करूँगी, बट मैं बड़ों के लिए बता रही हूँ जो आप 32 फंदे डालेंगे उसके लिए छः लाइन्स आप एक सीधी एक उल्टी की करेंगे, एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी। देखिए छह लाइंस एक सीधी एक उल्टी करने के बाद अब आपने क्या करना है मैं बता दूँ आपको। एक फंदा उतारने के बाद धागा आगे करेंगे और आप एक फंदे को बनाएंगे, अगेन धागा आगे अपनी तरफ एक फंदा बनाएंगे, यानी कि हम फिर से इसमें फंदे बढ़ा रहे हैं धागा आगे किया, बट इस बार हम जाली डाल रहे हैं साथ में। धागा आगे किया बनाया, धागा आगे किया एक सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ किया एक सीधा बनाया। इस तरीके से आपने पूरी लाइन जो है ये करनी है। तो हमारे पास हमारा जाली भी डल गई और हमारा फंदा भी जो है यहाँ बढ़ जाएंगे। ये देखिए लाइन पूरी होगी। आप जितने भी उल्टी साइड आएगी, जितने भी उल्टी तरफ आएगा वो नॉर्मल उल्टा करना है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल उल्टा करना है क्योंकि हमें यहाँ पे जाली चाहिए। तो ऐसे, और ये देखिएगा नॉर्मल उल्टा करना है ताकि हमें जाली भी मिल जाए यहाँ पे और फंदा भी बढ़ जाए।
देखिए लाइन पूरी हो गई, ये देखिएगा जाली भी डल गई और साथ में फंदे भी बढ़ गए। अब आपने इसमें 8 लाइंस एक सीधी एक उल्टी की बनानी है, यानी कि एक सीधी फिर एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी। तो इस तरीके से आपने 8 लाइंस इसमें बनानी है। मैं इसमें कम बनाऊंगी, प्लीज़ इस पर मत जाइएगा, क्योंकि ये सैम्पल बना रही हूँ तो मैं इसमें कम बना रही हूँ, क्योंकि ये छोटा बन रहा है। 8 लाइंस अब आपने सीधी, एक सीधी और एक उल्टी की करनी है। तो चलिए पहले 8 लाइंस हम एक सीधा एक उल्टे की बना लेते हैं। तो देखिए 8 लाइंस पूरी हो गई। अब अगेन वही प्रोसीजर दोहराएंगे जो यहाँ किया था, एक फंदा बुनेंगे और साथ में जाली डालेंगे, यानी कि हमारा फंदा बढ़ जाएगा। ऐसे किया आपने, फिर अगेन अपनी तरफ, फिर बनाया, फिर अपनी तरफ, पूरी सिलाई ऐसे ही करनी है आपने। ये देखिए इस तरीके से आपने पूरी लाइन करनी है। अब उल्टी लाइन जो है पूरी उल्टी जाएगी, उसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट उल्टी लाइन करनी है पूरी। चलिए देखिए लाइन पूरी कर ली मैंने इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे मेरे ख्याल से आपके पास 500 जो 32 के हिसाब से बता रही हूँ, 500 के आसपास 497 जो है आपके पास फंदे आ जाएंगे। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको और फंदे बढ़ाने हैं तो आपको थोड़ा सा और उल्टी सीधी की लाइन करनी पड़ेगी एंड अगेन आपने बढ़ाने हैं। लेकिन अगर आपको 500 फंदे पूरे लग रहे हैं कि ये एनफ है आपके लिए, आपके शॉल के लिए, तो यहीं से आप डिज़ाइन पार्ट शुरू कर देंगे। अदरवाइज़ और 20-30 फंदे बढ़ाने हैं तो उस हिसाब से आप इसका करेंगे। वो कैसे बढ़ाने हैं वो मैं आगे आपको बता दूंगी। अगर आपको सिर्फ थोड़े से फंदे बढ़ाने हैं तो आपको थोड़ी सी लाइंस करने के बाद जो है इसमें हर पांचवें फंदे के बाद एक एक फंदा बढ़ाना है, या छठे फंदे के बाद एक एक फंदा बढ़ाना है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और अगर यही फंदे, इतने ही 500 फंदे आपको बराबर लग रहे हैं, आपकी शॉल के लिए बहुत है, तो इसके बाद आप डिज़ाइन पार्ट शुरू करेंगे। डिज़ाइन पार्ट में भी ये बता दूँ कि डिज़ाइन पार्ट आप कुछ भी डाल सकते हैं। मेरे इसमें जो है बहुत सारे लेसेस के डिज़ाइन डले हुए हैं चैनल पर, आप वो भी डाल सकते हैं और आप जो मैं अभी बताने जा रही हूँ वो भी डाल सकते हैं। तो देखिए अब हमें जो डिज़ाइन डालना है वो हमें वहाँ तक पूरा करना है। ये देखिएगा आप, यहाँ तक करना है जहाँ तक आपको शॉल चाहिए, उससे जस्ट थोड़ा सा पहले तक। और जो नीचे का हिस्सा है वो सीधी उल्टी लाइन 10 लाइंस एटलीस्ट हम बनाएंगे। तो चलिए डिज़ाइन पार्ट शुरू करती हूँ। पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा आपने बनाया, धागा अपनी तरफ किया और इन दो फंदों को आपने दो का एक किया। अगेन धागा अपनी तरफ, दो फंदों को दो का एक किया। अगेन धागा अपनी तरफ, दो फंदों को दो का एक किया। ये पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है, धागा अपनी तरफ, दो फंदों को दो का एक, धागा अपनी तरफ, दो फंदों को दो का एक, इसी तरीके से पूरी लाइन आपने। यहाँ पे दो का एक जरूर कीजिएगा, अदरवाइज जो है आपके फंदे बढ़ जाएंगे। देखिए लाइन पूरी होगी, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी जाएगी, उसमें कुछ नहीं करना है आपने, जस्ट उल्टी लाइन इस तरीके से नॉर्मल बनानी है आपने।
देखिए उल्टी लाइन पूरी होगी, दो लाइंस होगी डिज़ाइन पार्ट की। अब कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सिर्फ चार लाइंस का डिज़ाइन है जो आपने फोर लाइंस रिपीट करते हुए जानी है। पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और इन दो फंदों को आपने दो का एक कर दिया। अगेन धागा अपनी तरफ, इन दो फंदों को दो का एक कर दिया, फिर धागा अपनी तरफ। एक ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जो आपको शायद मदद करेगा आपकी बुनाई करने में, डिज़ाइन डालने में, ये जो फंदा आपको दिख रहा है जाली के जस्ट ऊपर, ये हमेशा हर सीधी लाइन में इन्हीं दोनों को आपने, इसको और इसको इकट्ठे करना है ऐसे। फिर धागा आगे, देखिएगा ये जाली के ऊपर का फंदा, इसको और इसके पहले वाले फंदों को दो का एक करना है। तो ये हमेशा आपका जो है आपकी डिज़ाइन डालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप फटाफट और अच्छे ढंग से इसे डिज़ाइन को डाल सकते हैं। तो पूरी लाइन देखिएगा इसी तरीके से करनी है और उसके बाद उल्टी लाइन। अब आपको यही चार लाइनें जो है दोहराते हुए जानी है जब तक आपकी लेंथ पूरी नहीं हो जाती, जितना आपको शॉल चाहिए। ये देखिएगा, ये देखिए डिज़ाइन, ये जो आपको इस पर दिख रहा है एग्जैक्टली यही डिज़ाइन है ये। बस आपने यही चार लाइंस जो है दोहराते हुए जानी है। अब ये पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है। ये देखिए लास्ट पे आ गए। अब इसके बाद आपने उल्टी लाइन करनी है और इन्हीं चार लाइंस को दोहराते हुए जाना है जब तक हमारी जो है लेंथ पूरी नहीं हो जाती। जस्ट इन चार लाइंस को आपने दोहराते हुए जाना है। अब जितनी लंबी आपको चाहिए शॉल, उतना आप इस डिज़ाइन को बनाएंगे। डिज़ाइन आप चाहे ये डाले चाहे कोई भी डाले, वो आपकी मर्ज़ी। आप केबल भी डाल सकती हैं, आप कुछ भी डाल सकती हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप इसमें डालिएगा। और लेंथ पूरी होने तक, उससे जस्ट थोड़ा सा पहले तक आप इसे बनाएंगे और फिर हम इसमें जो है 10 लाइंस उल्टी सीधी की करके इसे बंद कर देंगे। तो देखिए ये आप देख रहे होंगे हाफ सर्कल की तरह बनता जा रहा है। और ये देखिए कितना बढ़िया ये डिज़ाइन इस पे आया है। अगर आप ये देखेंगे इसी तरीके से आपने ये अब चार लाइनें रिपीट करनी है। तो देखिए ये जो है लेंथ मेरी पूरी होगी, जितनी मैंने बनानी थी उतनी पूरी हो गई। इसी तरीके से आपने भी ये डिज़ाइन दोहराते हुए लेंथ पूरी करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, चाहे तो आप यहाँ पे बंद कर लीजिए लेंथ फुल करके, ये लेंथ जो ये दिख रही है आपको ये फुल करके बंद कीजिए, या चाहे तो आप इतनी पट्टी जैसे मैंने इस पिंक पे डाली है इतनी पट्टी आप इसकी सीधे उल्टे के डालिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर आपको थोड़ी सी फ्रिल यहाँ पे नीचे चाहिए तो यहाँ पे आपको फंदे बढ़ाने हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मली फ्रिल नहीं चाह रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि ये फंदे बहुत है शॉल के लिए। तो मैं अब उल्टे सीधे की एक पट्टी बनाऊँगी, एक सीधा एक उल्टा करके मैं जो है छोटी सी एक पट्टी बनाऊंगी। ये पूरी लाइन सीधी करेंगे। ये देखिए सीधी लाइन जो है पूरी होगी। इसी तरीके से हम उल्टी लाइन भी करेंगे। तो आप चाहे तो 10 लाइंस, जितनी भी लाइंस आपको लगे कि ठीक है नीचे की पट्टी आपको चाहिए उतनी लाइंस आप कीजिएगा। मैं छोटा बना रही हूँ इसलिए मैं कम करूँगी, एक सीधी और एक उल्टी का जो है हम लाइंस बनाएंगे। ये सीधी उल्टी लाइंस हो गई है, मैं इतना करूँगी क्योंकि मैंने तो छोटा बनाया हुआ है। आपकी मर्ज़ी है, आप जितना भी चौड़ा रखना चाहेंगे आप उतना चौड़ा रखेंगे। अब हम ये सारे फंदे बंद कर लेंगे। आप चाहे तो नॉर्मल वे में बंद कीजिएगा और चाहे तो जैसे मैंने ये बंद किया है वैसे कीजिएगा। चलिए ये मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से बंद किया जाता है। पहला फंदा आपने उतारा ऐसे,
2, 3। ये करने के बाद जो है मैं इसे पलटूंगी और इसमें डालूंगी, देखिएगा ध्यान से, और इसे इस पे ले लूँगी 1। अब यही मैं 2 फंदे बनाऊंगी उल्टे और वापस पलट के ये 2 फंदे मैं दोनों इकट्ठे बंद करूंगी और साथ में ये वाला लूंगी और इसे बंद करके ये इसके ऊपर डाल दूंगी। तो देखिए ये एक छेद भी बनेगा जिसमें आप कुछ लटका भी सकते हैं और थोड़ा बाहर सा निकल आएगा। अगेन 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जितना भी लंबा गैप रखना है वो आप अपने हिसाब से रखिएगा क्योंकि आपके पास फंदे बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये मैंने 8 फंदे किए। अब दूसरे तरीके से बंद करना बताऊँगी, इसी को बनाऊँगी, अगेन इसे लूँगी, इसी को बनाऊँगी, अब इसे मैं इस पे ले लूँगी। ये देखिए ये 2 बार बनाया मैंने। अब नेक्स्ट फंदा और ये फंदा इसके ऊपर से, अगेन इस तरीके से। तो ये अलग अलग तरीके हैं बेसिकली बंद करने के। जैसे आपने यहाँ कुछ लटकाना है तो ये मैंने ऐसे डाल दिया, ये थोड़ा बाहर को निकालना है तो आपने ऐसे बंद किया। ये अलग अलग तरीके हैं, जिस तरीके से आप इसे बंद करना चाहते हैं उस तरीके से कीजिएगा। फिर वही जितना गैप आपने रखा होगा उतना गैप आपने इसमें रखना है। तो देखिए पूरा मैंने इस तरीके से बंद कर दिया। नॉर्मल में वे भी बंद कर सकते हैं। अब देखिए ये बचा है, इसे मैं अंदर कर दूंगी। तो ये देखिए ये आपके जो है शॉल तैयार हुई। अब आप देखेंगे कितने फ्लेयर्स आए हैं इसमें, कितने अच्छे तरीके से ये जो है बनी है। ये जिस तरीके से ये बना हुआ देखिएगा, ये देखिए। अब आप चाहे तो इसके नीचे कुछ लगा सकते हैं या करोशिया से जालर डाल सकते हैं, जो भी आपको चाहे आप कर सकते हैं। और ये साइड्स जो मैंने ब्लू कलर से ये देखिए बता रखी है, इस तरीके से आप कंट्रास्ट कलर में जो है इसे भी बना सकते हैं। तो देखिएगा ये देखिए कितनी बढ़िया जो है शॉल आप किसी भी तरीके से लपेट सकते हैं। थोड़ा इस तरीके से करके यहाँ ले सकते हैं ऐसे, अदरवाइज़ इसे इस तरीके से भी आप सिर्फ यहाँ पे कुछ लगा के बंद कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे रखिएगा, ऐसे आएगी देखिए, और अगर आप चाहे तो इसे करोशिया कर सकते हैं। तो करोशिया मैं बता देती हूँ, जो ये इस तरीके से मैंने किया हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें करोशिया किस तरीके से की जाती है। ये जो आपको ये देखिए ये चेन दिख रही होगी आपको यहाँ पे, जो हम पहला फंदा उठाते हैं उतारते हैं उसके ऐसी चेन बन जाती है। आप इसे लीजिएगा धागे को इस तरीके से और पहला फंदा तो हम ऐसे निकाल लेंगे, ये देखिए इसे खींच देंगे। अब अगेन सेकंड चेन नज़र आ रही है, पहले इसे लीजिएगा इस तरीके से, सेकंड चेन में डालिएगा और धागा निकालिएगा ऐसे। अब मैं इसे लपेटूंगी उंगली पे।
अब पहले ये जो दो फंदे दिख रहे हैं इनमें से निकालेंगे इस तरीके से, एंड अगेन अगले दो में, फिर इस तरीके से लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन ये दिख रही है देखिए, इसमें डालेंगे और फिर दो में से निकालेंगे पहले, अगेन उसके दो में से निकालेंगे, फिर लीजिएगा, फिर अगली चेन में, जैसे मैंने इस पे ब्लू कलर का बना रखा है ये आप देखिएगा, उसी तरीके से मैं ये आपको बता रही हूँ कि आप किस तरीके से अब आप इसी तरीके से एक साइड से लेकर दूसरे कॉर्नर तक इसका ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने ये बनाया हुआ है। थैंक यू।